नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इंडिया न्यूज। एंटीलिया केस जब से एनआईए के हाथ में आया है, तब से एनआईए जो है रोज कोई ना कोई इस केस को लेकर खुलासा कर रही है और किसी न किसी को गिरफ्तार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एनआईए की जांच जहां तक पहुंची है, मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी करती दिख रही है। यही वजह है कि अभी तक मुंबई पुलिस के 4 से अधिक पुलिस विभाग के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है एनआईए ने इस केस के मुख्य सूत्रधार सचिन वाजे को गिरफ्तार किया और उनकी जो है निशानदेही पर रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार किया और रियाजुद्दीन काजी के बयान के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया। लेकिन दोस्तों, इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर। जी हां, मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, आज सुबह सुबह जो है एनआईए की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनके घर पर पहुंची और जो है उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, अभी तक एनआईए की जो भी जांच हुई है और जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के बाद एक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस ही जिम्मेदार नज़र आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इसका मुख्य आरोपी और इस पूरे घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के बाद एक लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, एंटीलिया केस में, मनसुख हिरेन हत्या के केस में, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जो है पूरे कांड के पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस के लोग ही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।